हेलो डियर एडीबियंस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आपकी डिमांड पे आज मैं उस टॉपिक पे सेशन लेके आया हूँ जो आप कमेंट में भर भर के पूछते हो कि सर मैट की स्ट्रेटजी बताओ फॉर ऑल ओवर द स्टेट, सारे स्टेट के लिए। आज मैं एक बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए लेके आया हूँ और इस सेशन के थ्रू आपको पता लगेगा कि आपने अगर ये कर लिया तो आपके मैट में अच्छा स्कोर तो पक्का है। तो बच्चों, इसी सेशन के थ्रू आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें करनी है जिनके थ्रू आप मैट में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको। तो अब बच्चों, जो भी यहाँ पर नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो बच्चों, ये वाली बात समझ गए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब सबसे पहले एनटीएससी का डिवाइडेशन आपको पता ही है कैसे होता है, दो पेपर होते हैं, एक होता है सैट और एक होता है मैट। अब ये मैट वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज अगर आपका मैट में स्कोर कम है और सेट में वली से आपका 100 आउट ऑफ 100 है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बच्चों, अब यही चीज कैसे आपको आगे अपनी इंप्रूव करनी है वही आप देखिए, बिकॉज देखो सेट में आप देखो कितने सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एसएसटी और 120 मिनट। अकेला ये मेंटल एबिलिटी 100 मार्क्स 120 मिनट, तो आप सोचो कि कितना टाइम आपका मतलब इसको देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कह रहा मैं पूरा टाइम इसी को दो, क्योंकि आपको सेट में भी स्कोर करना है। तो अब आप यहां पर देखो कि मैट में 100 क्वेश्चन है, अराउंड 120 मिनट का आपके पास टाइम है, तो आपको ये तो होना चाहिए कि भाई मेरे को अगर प्रैक्टिस होगी तो मैं 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो आप यहां पर देखो बच्चों कि आपको 100 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो 95 से 98 आप सही कर सकते हो, मतलब एक बहुत ही अच्छे लेवल पे बता रहा हूं, सही कर सकते हो। और क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं। तो अगर आप 95 से 98 स्कोर कर रहे हो, देन हम होप करते हैं कि हमारा सिलेक्शन एनटीएससी में होने वाला है। तो वो जो अब आप समझ गए कि इसकी इंपॉर्टेंस तो कितनी है, अब इसको कैसे सुधारें, कैसे हम इसमें स्कोर करें। तो सबसे पहले आप मेंटल एबिलिटी का डिवाइडेशन समझ लेते हैं। देखो, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं, ये वाली बात जरूर समझनी है। 1 मार्क है ईच क्वेश्चन के लिए, 120 मिनट है, तो एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको वहां पर मिल रहा है, ये वाली बात आप समझे। 100 क्वेश्चन है, ये बात आप समझे तो आपको ये समझ में आ गया कि मेरे पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन को करने के लिए। और बच्चों, अब आप देखो कि जो नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इन सब के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस से अच्छे कर सकते हो, बट लेकिन आप ये देखो जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, आप कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, ये सब बच्चों आपको मतलब कंसेप्ट पूरा सीखना पड़ेगा, हर ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये जो 3-4 चैप्टर मैं कह रहा हूँ, इनकी ट्रिक्स वगैरह सब पता कर लो, और आपको कहीं नहीं तो इस चैनल पे भी आगे बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली हैं, तो आपको ये चीज़ तो यहाँ से पता लग जाएगी बस। लेकिन अब आप एक समझो कि अब आप कंसेप्ट तो पढ़ लोगे, लेकिन मेंटल एबिलिटी में तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए बच्चों एक बुक ले लो, कोई भी जो आपको पसंद हो, दो नाम तो मैंने सजेस्ट कर दिए, आरएस अग्रवाल और एमटीजी की, पर आप कोई भी बुक ले लो जिसमें सारे टॉपिक्स आपके एनटीएससी के सिलेबस में कवर हो, ठीक बात। वो आपने बुक ले ली, डेली 20-25 क्वेश्चन आपको करने हैं, 30 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस पे करें, जिससे क्या होगा आपको डेली रूटीन प्रैक्टिस बना रहेगी। आप ये बात समझो, मेंटल एबिलिटी है ही एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अगर कंटिन्यूटी नहीं है, अगर कहीं भी ब्रेक हुई किसी चैप्टर की, तो आपको वो चैप्टर आप भूलने लगोगे थोड़े दिन बाद। आपका 1 महीने पहले, एग्जाम से 1 महीने पहले तो ऐसा होना चाहिए कि बस आपको डेली 50-50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अभी आप 30 करो तो आपको इंक्रीज ही करनी है अपनी स्पीड, बिकॉज मेंटल एबिलिटी में अगर आपकी प्रैक्टिस छूटी, बस वहीं आपका चैप्टर खत्म, बिकॉज आपको याद ही नहीं आएगा कि कौन सा कंसेप्ट हम लगाते हैं, आप वहीं फंसे रहोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस एग्जाम से पहले, उतने ज्यादा मार्क्स। अब यही चीज है आपके पास, अभी 3-4 मंथ्स है एनटीएससी एग्जाम में, तो आपको बस यही करना है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी एक मटेरियल ले लो। उसके बाद बच्चों, अगर किसी ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसके पास शीट है ही है, नहीं कर रखी तो आपको उसका भी फायदा एटीपी स्टार में मिलने वाला। कहां मिलेगा? आप मटेरियल के ग्रुप में आ जाओ, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें नई नई, आप एटीपी के ऐप में आइए,
आपकी स्ट्रेटजी कैसे आपको ऐप यूज करना है, ये मैं अगला सेशन आपको लेने ही वाला हूँ। ऐप को यूज करने के लिए आपको लिए सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना होगा, तो ऐप डाउनलोड का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। अब जो यहां से आप ऐप डाउनलोड करके क्या करोगे, वहां पर आप रजिस्टर करोगे अपने आप को, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है अभी तो, बिल्कुल आपने रजिस्टर कर लिया। और उसके बाद बच्चों आपको बस प्रैक्टिस में जाना है, वहां पर मेंटल एबिलिटी सिलेक्ट करो, एनटीएससी सिलेक्ट करो, अपना पेपर सेल्फ एनालाइज करो। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई, बट वो तो सेल्फ एनालाइज के लिए हो गया, मटेरियल के लिए तो आप ग्रुप में आ जाओ। ठीक बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का करना बहुत जरूरी है बच्चों, बिकॉज आप जिस स्टेट के हो आप उस स्टेट का जानो कि किस हिसाब से एनालाइज हो रहा है मेरा पेपर, जो मेरे स्टेट का वो कैसे आ रहा है। जितने क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के करोगे उतना ही फायदा आपको होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी किस पे बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर के पेपर, बिकॉज आपको बहुत सारे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन है तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे हर ईयर के, तो आप अगर उसमें स्ट्रेटजी बनाओगे तो देखो काम तो बिल्कुल चलने ही वाला। ये चीज समझ गए आप, अब ये चीज समझ गया आपको मैंने बताया कि डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन मैट के करने हैं, फिर इंक्रीज करनी है अपनी स्पीड। अब एनालाइज करना आपको अपने आपको, टेस्ट देगा, और टेस्ट कहाँ दोगे आप, प्रैक्टिस सेशन के लिए कहाँ हो गया आप, एटीपी के ऐप पे आओगे। एटीपी के ऐप में आने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे जाना है और बस वहीं पर चालू हो जाना है, मेंटल एबिलिटी क्लिक करी और उसके चैप्टर्स क्लिक करे, वो पूरा सेशन मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अब बस अब आपको एक चीज और है, मेंटल एबिलिटी में आपको वाइडली सोचना है कि हर कंसेप्ट को अपने दिमाग में लाना है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो क्या पता ऐसा हो, बिकॉज ऑप्शन में डिफरेंट मिल सकता है, आप जो तरीका लगा रहे हो वो क्या पता ऑप्शन में नहीं हो। तो ये कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताई दिया आपको क्या करना है, भाई मटेरियल लेना है, कोई भी बुक ले लो, कोई भी शीट ले लो, बस ये कि उसमें सारे टॉपिक्स होने चाहिए, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली करोगे आपका काम बनता चला जाएगा, बिकॉज मेंटल एबिलिटी इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। आपको 95 से 98 स्कोर करने ही हैं, बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। टारगेट बेस्ड स्पीड रखो, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करूंगा तो करूंगा, पहले बनाओ 20 फिर उसको इंक्रीज करते जाओ, बिकॉज आपको पेपर में नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हो। तो यहां पर बच्चों आपको यही बात समझनी है कि आपको टारगेट बेस्ड स्पीड रखनी है कि 20 मिनट घड़ी में सेट कर लो और उसके बाद 20 क्वेश्चन करो, अगर होने लग जाए तो बच्चों आप ये बात समझना कि आप उसके लिए प्रिपरेशन के लिए तैयार हो। बच्चों कन कन से आपका घड़ा भर सकता है बूंद बूंद से, तो आप ये बात समझो कि अगर आप डेली कुछ ना कुछ करोगे तो अच्छा स्कोर तो आप करके आने हो, क्या पता कट ऑफ कम चली जाए, वैसे तो नहीं जाती बट क्या पता आपके केस में अच्छी कट ऑफ कम चली जाए तो आपका आपका सिलेक्शन हो जाए। मतलब ये भी हो सकता है कि आप अगर 94 स्कोर कर रहे हो और आपने डेली इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी कि 96 कर गए और कट ऑफ भी 96 गई, तो आप बस यही याद रखना कि वो 2 मार्क्स आपके लिए जिंदगी भर काम आएंगे। ये चीज बच्चों आपके लिए मैं यही समझाने वाला हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, मेंटल एबिलिटी जरूर इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं लास्ट के दिनों में मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, सेट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं बट मैट में नहीं कर पाते और वहीं सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। एक ही चांस मिलता है बच्चों 10th क्लास में देने का, इसका कोई दूसरा चांस नहीं है, तो अपने चांस को बेकार ना जाने दें, प्रैक्टिस करें। आपके लिए एटीपी साथ है, मटेरियल के लिए ग्रुप में आ जाएं और प्रैक्टिस के लिए ऐप डाउनलोड करें, बहुत सारे कंसेप्ट वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस के लिए भी एटीपी में फीचर्स आने वाला है ऐप में, तो उन सब के लिए थोड़ा सा टाइम दें और आपके लिए बस एटीपी का ऐप बिल्कुल तैयार है। सारी प्रैक्टिस के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए आप ऐप में आ सकते हैं, ऐप का लिंक डाउनलोड कर लिए आप किससे, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक गिवन है। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।